Hello students, in this video we will see the solution of remaining three problems of ncrt exercise lesson number three and the name of the chapter is atoms and molecules and all the three these three problems are based on mole concept let's see the first problem this is problem number nine of your ncrt textbook and the problem says what is the mass of and the the question is in two parts mass putra kiska number one टू मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास पूछ रहे हैं राइट right? तो कैसे निकालेंगे हम मास नंबर ऑफ मोल्स हमको दे रखे हैं और हमें ये बता रखा है कि यहां पे कौन सी स्पीशीज है कौन से पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम यह इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मोलर मास भी चाहिए होगा क्योंकि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है एन इज इक्वल टू ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं एन इज इक्वल टू मास मोलर मास ये फॉर्मूला है जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था मोल कंसेप्ट का राइट right? अब हमें पूछा क्या जा रहा है यहां पे मास पूछा और मोल है और ऑक्सीजन एटम की बात करी है कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्सीजन एटम है तो इसी फॉर्मूला को हम चेंज कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं जीरो पॉइंट टू मोलर मास हम क्या लेंगे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे दिया होता ऑक्सीजन गैस तो ऑक्सीजन गैस या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन गैस है वो डाया एटॉमिक होती है यानी उसके मॉलिक्यूल में एक सिंगल मॉलिक्यूल में दो ऐटम्स प्रेजेंट होते हैं और यही अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा जाता तो हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालते और जो मॉलिक्यूल होता है उसका फॉर्मूला होता है ओ तो ऑक्सीजन के एक आइटम का मास आता सिक्सटीन और दो एटम का यानी कि मॉलिक्यूल का मास आता थर्टी लेकिन हमको यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीजन एटम्स तो हमें ऑक्सीजन एटम का मोलर मास लेना होगा यानी वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन यू और जब हम उसको मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा सिक्सटीन ग्राम राइट तो जीरो पॉइंट टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन ग्राम से और आंसर आ जाएगा हमारा थ्री पॉइंट टू ग्राम बिल्कुल सिंपल सा है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला था फर्स्ट फॉर्मूला वो हमने अप्लाई किया है और आंसर निकाला है सेकेंड पार्ट भी इसी पैटर्न पर ही है इसी पैटर्न से हम उसको सॉल्व करेंगे और सेकेंड पार्ट क्या है वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल में का पूछा है कि अगर इतने मोल्स हो तो एक्चुअली उनका मास कितना होगा ग्राम में कितना मास आएगा उनका राइट right? तो ऑबियस ये बात है हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और वाटर का हमें मोलर मास चाहिए होगा वाटर का एक मॉलिक्यूल है एस टू ओ जब हम मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास हो जाता है टू प्लस हाइड्रोजन का जो एटम है उसका मास होता है वन दो एटम्स हैं तो हो जाएगा टू प्लस ऑक्सीजन का मास सिक्सटीन राइट right? ये हमने यू में निकाला और इसको जब हम मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एटीन ग्राम तो जो वाटर है या वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 18 ग्राम अब हम यही सेम फॉर्मुला यूज करेंगे m इज इक्वल टू एन इन मोलर मास n कितना दे रखा है n है 0.5 और मोलर मास कितना आया 18 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास ये इसको आप 0.5 को 1 बाय टू भी समझ सकते हैं तो 2 से जब 18 को आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट नाइन इन ग्राम आंसर आ रहा है तो द प्रॉब्लम इज वेरी इजी एंड वी हैव डन थ्रू द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास रहता था अब हमसे यहाँ पे मास पूछा गया है एक्चुअली तो हमने मास कैलकुलेट कर लिया तो एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास सी द से प्रॉब्लम प्रॉब्लम इज और प्रॉब्लम नंबर टेन ऑफ लेसन थ्री इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर ब्रैकेट में एस एट लिखा हुआ है क्योंकि जो सल्फर का एक मॉलिक्यूल होता है उसकी एटोमिसिटी एट होती है सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर के एट एटम्स आठ एटम्स प्रेजेंट होते हैं राइट right? तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है किसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है मास हमको दिया हुआ है सिक्सटीन ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर तो सिक्सटीन ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हमें ये निकालना है किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है हम क्या लॉजिक लगाते हैं मोल कंसेप्ट बेस्ड है और हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अब एनी सब्सटेंस का मतलब क्या है वन मोल ऑफ एटम्स हो सकते हैं वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं वन मोल ऑफ आयंस हो सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हुई है तो हम सीधे मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं कि वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास हैं तो एक्चुअली हमारे पास कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं एवेगैद्रो नंबर के बराबर दैट मींस 6.022 पॉइंट जीरो पावर ट्वेंटी मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास ठीक है और यहां पे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे सल्फर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास अगर हम वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी स्पीशीज के जैसे सल्फर है उसके अगर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक्चुअली हमारे पास टोटल इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है अभी हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है लेकिन हमें जो सब्सेंस दे रखा है वो ग्राम में दे रखा है मास दे रखा है और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मोल के हिसाब से तो हम क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो 16 ग्राम हमें मास दे रखा है सल्फर का उसमें पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो पहला स्टेप होगा उस पहले स्टेप में हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और इसी फॉर्मूला से निकालेंगे जो हमने ऊपर यूज किया है एन अपॉन मोलर मास ठीक है मास कितना दे रखा है सल्फर का 16 और सल्फर का मोलर मास जब आप निकालेंगे तो सल्फर के एक एटम का मास होता है 32 और यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं 8 तो 32 टू जा आता है 256 तो ये हमने 16 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिक्सटीन वन जिक्सटीन और सिक्सटीन सिक्सटीन जो टू फिफ्टी सिक्स बेसिकली टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटीन का स्क्वायर है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने निकला है वन बाई सिक्सटीन ये गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अब हम कह रहे हैं कि सिंस वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एवेग्याद्रो नंबर के बराबर तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंस मोल ऑफ़ दिस, अगर हमारे पास मोल है ऑफ एस एट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे जो भी एवेग्याद्रो नंबर है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स कितने थे वन बाई सिक्सटीन ठीक है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6.022 को हमने 16 से डिवाइड किया तो वी विल गेट 0.376 और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 10 पावर ट्वेंटी इसको जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं ये यहाँ पे 10 के बाद 23 थ्री आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें से अगर हम एक जीरो बोरो कर लें तो दिस कैन बी रिटर्न एज थ्री पॉइंट सेवन सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस द पावर ट्वेंटी टू तो आंसर आ गया अब आपको पूरे स्टेटमेंट के साथ आंसर लिखना पड़ेगा कि टू ग्राम ऑफ सल्फर राइट थर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम कह रही है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस अब इन्होंने हमसे आयंस पूछ लिए हैं प्रेजेंट इन इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपको दे रखा है और जो मटेरियल है जो मॉलिक्यूल है वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड लास्ट प्रॉब्लम है ये लेसन थ्री का और अच्छा सा प्रॉब्लम है और इजी है कुछ करना नहीं है इसमें आपको क्या क्या कंसेप्ट आपको लगाने हैं देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि इतने ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर आपके पास है उसमें आपको एल्युमिनियम आयन बताना है राइट right. अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है तो अल्मोनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ए एल टू ओ थ्री फॉर्मूला ड्राइव करना हमको सिखाया गया है एल्मोनियम के ऊपर प्लस थ्री चार्ज होता है यानी अगर हम इसको आयोनाइज़ करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टू ए एल थ्री प्लस तो जो एलमुनियम है वो बेसिकली बनाता है एल थ्री प्लस उसके ऊपर थ्री प्लस चार्ज होता है और तीन यहां पे हमारे पास आ रहे हैं ऑक्सीजन एटम और हर ऑक्सीजन के एटम के ऊपर होता है टू माइनस चार्ज ठीक है हमें यह देखना है क्योंकि हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन्स कितने होंगे तो एक मॉलिक्यूल uh, अगर हमारे पास अल्मूनियम ऑक्साइड है तो उसके अंदर दो एलमुनियम के आयन्स प्रेजेंट होते हैं ये Al2 एल टू लिखा हुआ है इसका मतलब दो एल्मोनियम के आयन्स हैं इसके अंदर राइट और ऑक्साइड के कितने आयन्स आ रहे हैं ऑक्साइड के तीन आयन्स आ रहे हैं अब हम क्या करें uh, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें और क्या चीज या क्या लॉजिक अप्लाई करें तो हमको फिर वही वाली इन्फॉर्मेशन की बात करनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस है जैसे अब यहाँ पे आयंस की बात हो रही है तो हमने कहा कि वन मोल ऑफ आयंस अगर हमारे पास है किसी भी सब्सटेंस के अगर हमारे पास वन मोल ऑफ आयंस हैं इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने आयंस हैं वह गैद्रो नंबर के बराबर आयंस आ जाएंगे और दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक मोलिक्यूल है तो उस मोलिक्यूल के अंदर ठीक है Uh, कितने एल्मियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे तो दो अल्मोनियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे राइट right? इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अब हम क्या करें फिर वही करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है हम सबसे पहले उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं एन इज इक्वल टू गिवन मास बार बार फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप भी अपनी कॉपी में वो फॉर्मूला को इसी तरह से लिखिए शॉर्टकट में मत करिए गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन ये गिवन मास था और मोलर मास है एलमुनियम ऑक्साइड का उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और भी एल्मोनियम ऑक्साइड जो है उसके हम फोमला मास की बात करेंगे फॉर्मोला मास और मोलर मास एक ही चीज है एक एल्युमिनियम का जो एटम है उसका मास होता है ट्वेंटी सेवन ठीक है और ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है सिक्सटीन तो जब हम ए एल टू ओ थ्री का मास निकालेंगे तो टू इंटू ट्वेंटी सेवन हो जाएगा प्लस थ्री इंटू सिक्सटीन राइट ये हो गया फिफ्टी फोर और सिक्सटीन थ्री सा फोर्टी एट टोटल आ गया वन जीरो टू ग्राम तो ये फॉर्मूला मास आ जाएगा क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हम फॉर्मूला मास की बात करते हैं तो दिस विल बी डिवाइडेड बाई वन जीरो टू अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन ग्राम ऑफ एलमियम ऑक्साइड में ये वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो राइट तो जीरो पॉइंट लिख भी लेते हैं स्टेटमेंट सिंस जीरो पॉइंट जीरो फाइव वन ग्राम ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड has कितने मोल्स हैं जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव मोल्स इतने मोल्स होंगे राइट right. अब हमने कहा कि वन मोल ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टें पावर ट्वेंटी थ्री

डबल जीरो थ्री जीरो वन वन इन टू टेन सू पावर ट्वेंटी थ्री राइट जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट थ्री पॉइंट जीरो इन टू शिफ्ट कर लिया हमने डेसिमल को तो वन टू थ्री थ्री प्लेसेस तक शिफ्ट किया है तो ये हो जाएगा टेन टू पावर ट्वेंटी राइट अभी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है यानी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया था हमने उसमें निकाल लिया कि इतने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट होंगे और हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा जा रहा है कि कितने एलमूनियम के आयंस प्रेजेंट हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स आ गए और हमने अभी क्या बात करी कि जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एल्मोनियम के कितने आयंस प्रेजेंट हैं दो आयंस प्रेजेंट है एल्मोनियम के दो आयंस प्रेजेंट हैं तो हम सिंपली क्या करें कि एक मॉलिक्यूल में सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 ट्वेंटी यूनिट्री मेथड लगा रहे हैं इसमें कितने होंगे मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई थ्री पॉइंट जीरो वन वन इंट पावर ट्वेंटी आयन्स ऑफ एल्मोनियम तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन पूछा गया था कि नंबर ऑफ एल्मोनियम आयन्स बताने हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया था तो पहला स्टेप हमने क्या किया कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया था उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाले राइट फिर इस जितने भी मोल्स हैं हमारे पास आए उनको मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हमने कहा कि एक मॉलिक्यूल में अल्मूनियम के दो आयन होते हैं इसलिए जितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए हैं यूनिटरी मेथड से हम करा तो हमने जितने मॉलिक्यूल्स निकले उसको हमने क्या किया टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एल्युमिनियम के दो एटम्स प्रेजेंट थे या और क्लियर करके कहें तो वो एटम्स नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ रहा है वो चार्ज स्पीशीज है और जो चार्ज स्पेश स्पीशीज होती हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं तो बेसिकली एल्युमिनियम ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में दो एल्युमिनियम के आयंस प्रेजेंट हैं तो ये आ गया आंसर और जो प्रॉब्लम्स थी मोल कंसेप्ट की वो हमने सब कर ली अब आप इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि परफेक्शन आ जाए और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और रिविजन करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स